सबसे बड़ी सेल स्टार्ट हो चुकी है, वो भी जबरदस्त डील के साथ। चाहे मैं बात करूं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल की या फिर अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की, क्या ही फ्लैगशिप डील्स आपको वहां पे देखने को मिल रहे हैं। सो ये बिल्कुल राइट टाइम है जहां पे आप न्यू फोन्स को बाय कर सकते हो, वो भी अच्छे खासे ऑफर्स के साथ। सो इस सही टाइम का यूज करते हुए मैंने भी मंगा लिया है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। सो आज मैं इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाली हूं, आपको रिव्यू बताने वाली हूं कि क्या ये फोन आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं। तो इसीलिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। इस फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड आपको बताते हैं कि ये फोन कैसा है। तो यहाँ पे ही ये फोन का बॉक्स एंड इसको हम ओपन करते हैं। इसके बाद है ये फोन जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। फोन का वेट, अगर मैं फोन की वेट की बात करूं तो या अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हमें फोन का वेट जरूर मिलने वाला है इस फोन के अंदर। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको टाइप ए टू टाइप सी आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाता है। एडेप्टर आपको इस फोन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। प्लस इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो या इस बॉक्स के अंदर आपको इतना ही मिलता है। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज है, वो है सिम इजेक्टर। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो फोन के अंदर आपको बस इतनी सी चीज मिलती है। इनको रखते हैं साइड में एंड फोन के बारे में करते हैं बात। फोन के लुक एंड डिजाइन की बात करूँ ना दोस्तों, ये फोन काफी कमाल का है। ये एक साल पहले ये फोन आ चुका है, लेकिन अभी तक मैं बोल रही हूँ ये काफी प्रीमियम फोन दिखने वाला है। हैंड फील इसका काफी ज्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे अगर मैं इस फोन के लुक एंड डिजाइन की बात करूँ, सबसे पहले तो जो फोन का फ्रंट लुक है वो कुछ देखने में ऐसा दिखता है एंड बैक से ये फोन देखने में कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है फोन के अंदर कि आपको बैक में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड फ्रंट के अंदर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही जो फ्रेम है ये अमोर एल्युमिनियम फ्रेम है, जिससे कि ये काफी ज्यादा ना जो ग्रिपिंग है इस फोन की वो काफी अच्छी हो जाती है। मतलब आपके हाथ से ना ये फिसलने वाला नहीं है, ये ऐसा है, इसकी ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी है। फोन का साइज आप देख सकते हैं, काफी बड़ा साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं ना, ये फोन आपको हाथ में थोड़ा हैवी फील जरूर होने वाला है। वेट की बात की जाए तो 234 ग्राम इसका वेट है, तो आप समझ सकते हैं कि फोन लिटरली थोड़ा हैवी होने वाला है। थिकनेस की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस फोन की थिकनेस है 8.9 mm की आपको यहाँ पे थिकनेस देखने को मिल जाती है। तो यार ये है फोन का फर्स्ट लुक जो आप देख सकते हैं एंड ये कलर भी काफी ज्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे हमने बात करी है फोन के लुक एंड डिजाइन की, लेकिन अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो फोन को करते हैं ओपन। तो जब तक ये फोन ओपन हो रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन अभी आ रहा है वो माल का है, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आपको स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो ये है इस फोन की डिस्प्ले। अगर मैं इसके यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो लिटरली इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सैमसंग का डिस्प्ले है, तो सैमसंग तो वैसे भी अपनी डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। सो यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो बेजल्स है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेजल्स की, तो बहुत ही मिनिमल बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 3D कर्व डिस्प्ले है, तो इसकी वजह से जो बेजल्स है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते, हल्का सा बस आपको यहाँ पे चिन साइड में आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको बेजल्स नहीं देखने को मिल रहे। और इसकी वजह से जो ग्रिपिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर मैं डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.8 इंचेस की डायनामिक एमोलेड 2X वाली डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, 1750 निट्स की पिक ब्राइटनेस है। सो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की जो डिस्प्ले है वो A1 है। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो भी कलर्स देख रहे हैं, इसकी जो डिस्प्ले देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमने डिस्प्ले को टेस्ट किया तो काफी अच्छी हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिली। जो कलर्स है काफी सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले। सो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगी, सैमसंग ने अपने डिस्प्ले के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। चाहे आप इंडोर इस डिस्प्ले को यूज करें फोन को, चाहे आप बाहर यूज करें, लेकिन आपको डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम पे अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो एच डी
पीआर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन सबसे मेन चीज ये होती है कि आप अगर इतना फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं तो उसमें जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी होने चाहिए। सो यहाँ हमें सैमसंग S23 अल्ट्रा में ये चीज देखने को मिली है। स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी लाउड होने वाली है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फ्लैगशिप फोन है तो यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के साउंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो क्विकली से अब यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एस पेन दिया गया है, जिसके बारे में भी अभी बात करूंगी। यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी पोर्ट है, सिम ट्रे है, और यहाँ पे आपको सिर्फ नैनो सिम कार्ड का ही यूज करने को ऑप्शन मिल रहा है। SD कार्ड यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पावर बटन दिख रहा है, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या तो ये है यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन्स। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस फोन की स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, ये बेस्ट प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप भी कोई भी अगर आप यहाँ पे गेमिंग्स वगैरह करते हैं, अगर आप BGMI भी खेलते हैं तो आप हाई सेटिंग्स में खेल सकते हैं। अगर और भी कोई गेमिंग आप करना चाहते हैं वो भी आप हाई सेटिंग्स में कर सकते हैं। कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है, कोई भी लैग एंड ड्रॉप का इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो हमने टेस्ट करके देखे उसमें हम आपको ये बता सकते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ग्राफिक्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इवन जो इस फोन का, इस प्रोसेसर का जो अंतुतु स्कोर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन के करीब यहाँ पे आपको अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो या और इसकी वजह से आपको यहाँ पे लेटेस्ट LPDDR5X रैम टाइप मिल जाता है, एंड UFS 4.0 आपको स्टोरेज टाइप मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है या फिर मल्टीटास्किंग है ना, वो काफी इजी हो जाता है। अगर कोई भी फास्टली आपको एप्स ओपन करने हैं तो फास्टली वो लोडेड हो जाते हैं, कोई भी हैंग लैग का इशू आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है 45W के चार्जिंग स्पीड को। अगर मैं OS एंड UI की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सैमसंग का UI है, बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है, बहुत ही काफी ज्यादा आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। ये फोन बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड 13 पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल चुका है, यानी कि एंड्रॉइड 14 मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि बेस्ड है One UI 6.1 पे। तो इसका UI भी काफी ज्यादा कमाल का। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है एंड 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, यानी कि एंड्रॉइड 14 तो मुझे मिल चुका है, तो 15, 16, 17 भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं ये चीज बोलूंगी, अगर इतना फ्लैगशिप लेवल का ये फोन है तो ये कम से कम आप इसको 4 से 5 साल तक, लॉन्ग टर्म तक आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है वो आपको कोई नॉर्मल फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आपका फोन अगर बंद भी है तब भी ये फोन को डिटेक्ट कर लेता है, आपका फिंगरप्रिंट से ये ओपन हो जाता है। अगर आपके हाथ में हल्का फुल्का पानी भी है, गीला भी है, तो भी ये फोन तब भी ऑन हो जाता है। तो अल्ट्रासोनिक का एक अपना ही फायदा है, जो चीज आपको S23 अल्ट्रा में देखने को मिल रहा है। सो बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के कैमरे की। देखो यहाँ पे कैमरे के लिए जो मेगापिक्सल आपको यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे इसका रेयर कैमरा है, तो यहाँ पे आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जहाँ पे आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, एंड वहां पे भी आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। फिर 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जहाँ पे आप 10x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जहां पे आप मेन कैमरे से 4K की वीडियोस को 24 या फिर 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, 4K की वीडियोस भी आप यहां पे शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है, जहां पे आप 4K की वीडियोस को 30 या फिर आप 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं कैमरे की क्वालिटी की बात करूं ना, तो काफी अच्छी यहां पे कैमरे की क्वालिटी आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। इवन हम कैमरा ऐप ओपन करके देखते हैं, फिर मैं यहां पे आपको इसकी क्वालिटी देख के बताऊंगी। लेकिन अगर मैं यहां पे इसके फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको फोटो मोड में 1x मिल जाता है, 2x से 3x एंड 10x तक आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको फोटोज में मिल जाता है। पोर्ट्रेट में जाते हैं तो आप 3x तक आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस में जाते हैं तो 8K की वीडियोस आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोर में जाते हैं तो ये सारे मोड्स में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो एज डिटेक्शन है वो कितना क्लियर है, कितनी क्लियरिटी पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक और फोटोज लेके देखते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैं इसकी फोटोज लेते हैं, The cat sat on the mat.
तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने क्लियर्स आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आपको जो कलर्स आपको सामने दिख रहे हैं वही सेम वाइब्रेंट कलर आपको फोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ फोटोज क्लिक करो एंड सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। एंड यहाँ पे हमने कुछ फोटोज आप ओरिजिनल क्वालिटीज में जो फोटोज हैं वो हमने लिए हुए हैं, ये चीज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इनडोर आउटडोर दोनों जगह हमने फोटोज लिए हैं एंड जो क्वालिटी हमें देखने को मिली है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली। इवन सेल्फी कैमरा तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि सेल्फी कैमरे की जो एज डिटेक्शन है, जो क्लियरिटी है, वो काफी ज्यादा नेचुरल रखी गई है कि आपने डायरेक्टली फोटो क्लिक करी एंड उसको आप अगर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दोगे तो काफी काम करने वाली है वो चीज। ये ऐसा फोन है कि जहां पे आपको 200 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है, जो इसका रेयर कैमरा है वहां पे। सो यहां पे आपको कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है तो यहां पे आपको फ्लैगशिप लेवल की क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। सो बात करते हैं यहां पे इस फोन के एस पेन की, ठीक है, जो आपको इसके अंदर एस पेन का भी सपोर्ट दिया गया है। तो जो ये एस पेन है इसका भी काफी ज्यादा सपोर्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, तो मैं इसके कुछ फीचर्स भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। लेकिन ये काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करता है, अगर आपको कुछ भी लिखना हो आप इजीली लिख सकते हैं, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं इसके साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो ये एस पेन का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। सो इस फोन की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए भी आपको यहाँ पे तो 5G का सपोर्ट तो आपको यहाँ पे मिलता ही है, वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.38, डुअल 4G वोल्ट है, NFC का सपोर्ट आपको दिया गया है। बहुत सारे आपको यहाँ पे कुछ AI के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि S24 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलता था, तो सेम वही चीज आपको S23 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि सर्कल टू सर्च है, जो कि आजकल बहुत सारे फोन्स में देखने को मिल रही है, लेकिन आपको इस फोन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है, AI के फीचर्स हैं इस फोन के अंदर। तो यार यही कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे हैप्टिक्स की बात करूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत लोगों के लिए कि हैप्टिक्स अच्छे होने चाहिए, तो इस फोन का आपको हैप्टिक्स भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है तो या साउंड क्वालिटी एंड यहाँ पे टच पे जो हैप्टिक्स फील हो रहा है वो फील काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो इस फोन का वेरिएंट मैंने बाय किया है वो है 12GB प्लस 256GB और इसका जो प्राइसिंग है वो है 69,999। सो इस प्राइस रेंज में ये फोन आपको स्पेशल डील में मिलने वाला है इस साल की Amazon की डील पे। सो हालांकि अभी ये Flipkart पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन Amazon पे आपको ये काफी अच्छी डील पे मिलने वाला है। लेकिन मैं इस फोन के अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका लुक एंड डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, देखने को जो इनहैंड फील है वो काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो सैमसंग ने डिस्प्ले पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। डायनामिक AMOLED 2X वाली आपको यहाँ पे पैनल देखने को मिल रही है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे कैमरे में भी आपको 200 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, जो हमने ओरिजिनल क्वालिटीज में फोटोज लिए ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो कैमरा मुझे इसका काफी ज्यादा पसंद आया। परफॉर्मेंस के लिए भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप कोई भी गेम बहुत इजीली खेल सकते हैं, चाहे अगर आपको प्रो गेमिंग वगैरह भी करनी हो तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी हमने टेस्ट करके देखा है। अंतुतु स्कोर भी इस फोन का काफी अच्छा निकल के आया है, 1.5 मिलियन के करीब आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर देखने को मिल रहा है। और सारी कनेक्टिविटी है, एस पेन का सपोर्ट दिया जा रहा है, एस पेन में भी काफी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं, AI के फीचर्स आपको मिल रहे हैं। सो जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि 69,999 इसका प्राइस रेंज है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बेस्ट डील में अभी इस टाइम आपको ये फोन मिलने वाला है, अच्छे डील्स के साथ मिल रहा है आपको Amazon पे। आपको जो इसका बाय लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके चेकआउट करिए। सो वीडियो कैसी लगी ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।